स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं एस्टेट 2020 PGT कॉमर्स का पेपर है, जो उसकी फर्स्ट सीरीज 10 क्वेश्चन सीरीज में हम ये पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 2 जनवरी 2021 को। रिटेन एनालिसिस के साथ हम ये पेपर पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम पूरे पेपर की एक वीडियो भी करेंगे। कहने को तो हम 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप खुद देखेंगे कि 10 क्वेश्चन में से कैसे 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं, और सारे ही क्वेश्चन जो हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं, खासकर जो HSSC की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो उसी स्क्रीनिंग पेपर की थी, तो देख के आपको पता लग गया होगा कि किस लेवल का पेपर आता है। तो उस लेवल को पार करने के लिए हमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको विद ऑप्शंस जो है वो समझना पड़ेगा, उन ऑप्शंस को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में आप देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन में एस्टेट 2020 का जो पेपर है उसमें जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस पिछले एस्टेट के क्वेश्चन के आंसर्स थे। तो सारे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। इससे पहले हम पीछे वाले एस्टेट के पेपर जो है कर चुके हैं 5 क्वेश्चन सीरीज में, जो नए हैं उनके लिए बता रही हूँ। जो DSSSB फीमेल का जो क्वेश्चन पेपर था PGT कॉमर्स का, उसको हमने 15 क्वेश्चन सीरीज में किया है, और जो मेल कैंडिडेट का पेपर था उसको हमने 30 क्वेश्चन सीरीज में किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। करते हैं स्टार्ट आज का पेपर। हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू ज्वाइन द यूनियन और नॉट। उनकी एम्प्लॉयज़ फ्री हैं कि वो यूनियन को ज्वाइन करें या ना करें। एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है कि वो जो लेबर यूनियन है वो ज्वाइन करें। उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, उनकी मर्जी है कि वो ज्वाइन करें या ना करें। एंड दोज हु डिक्लाइन, और जो मना कर देते हैं यूनियन को ज्वाइन करने से, नीड नॉट पे यूनियन ड्यूज, उन्हें ज़रूरी नहीं है यूनियन की बकाया राशि का भुगतान करना। तो इस तरह की जो सरकमस्टांसिस है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओपन शॉप। ठीक है, चारों ही ऑप्शन हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले ओपन शॉप ही देख लेते हैं, ओपन शॉप होती क्या। देखिए, ओपन शॉप एक बिजनेस इन विच यूनियन एंड नॉन यूनियन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। कि बिजनेस में दोनों ही तरह के कर्मचारी जो है काम करते हैं, वो यूनियन का हिस्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब फिर ओपन शॉप कौन सी होती है, ए बिजनेस इन विच यूनियन मेंबरशिप इज़ नॉट ए कंडीशन ऑफ सिक्योरिंग और मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट। यानी कि रोजगार लेने के लिए यूनियन का हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है, वो कोई कंडीशन नहीं है आपके एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करने का या आपके एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने का। तो ओपन शॉप इज़ ए सिस्टम वेयर बाय एम्प्लॉयज़ इन ए प्लेस ऑफ वर्क डू नॉट हैव टू ज्वाइन ए ट्रेड यूनियन। यानी कि ऐसे कर्मचारी जो ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं होते हैं, ये आ जाती है ओपन शॉप में। और इसके अपोजिट कौन सी होती है, क्लोज्ड शॉप। ठीक है, अब की बार ओपन शॉप आई, आगे क्लोज शॉप भी पूछी जा सकती है। जैसे इसमें जो हमारे वर्कर्स हैं वो हमारी ट्रेड यूनियन लेबर यूनियन का हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है, क्लोज शॉप में इसका अपोजिट होता है, ए प्लेस ऑफ वर्क वेयर ऑल एम्प्लॉयज मस्ट बिलोंग टू एन एग्रीड ट्रेड यूनियन। वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने ट्रेड यूनियन का हिस्सा होना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन पे चलते हैं। ए ऑप्शन है हमारा ओपन मेथड। देखिए, ओपन मेथड ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इट रिक्वायर ओनली ए सिंगल स्टार्टिंग वैल्यू। यानी कि ओपन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें सिंगल स्टार्टिंग वैल्यू के साथ क्वेश्चन जो स्टार्ट किया जा सकता है, ये ओपन मेथड मैथमेटिकल टर्म है। डी ऑप्शन है हमारा लॉकआउट। सी ऑप्शन हम बाद में करेंगे, पहले डी ऑप्शन लॉकआउट। लॉकआउट में क्या होता है, लॉकआउट इज़ ए सिचुएशन इन विच एन एम्प्लॉयर डज नॉट अलो वर्कर्स इनटू देयर प्लेस ऑफ वर्क। यानी कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें एम्प्लॉयर जो है वो अलो ही नहीं कर रहा वर्कर्स को अपने काम पे जाने के लिए, क्योंकि उन्हें कार्यस्थल में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाता, स्पेशली ए फैक्ट्री, अनटिल दे एग्री टू सर्टेन कंडीशन, जब तक कि वो एम्प्लॉयर की कंडीशंस के लिए राजी ना हो जाए। लॉकआउट एक ऐसी कंडीशन की बात बताई गई है। और सी ऑप्शन में थे हमारे नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज़। नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है, मुक्त करना। तो ऐसे कर्मचारी जो मुक्त नहीं है, यानी कि जिसके ऊपर फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के कानून लागू होते हैं, नियम लागू होते हैं, वो आ जाते हैं नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज़ में। इसमें क्या होता है, अंडर फेडरल लॉ नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज़ मस्ट बी पेड
उन्हें पेड किया ही जाना चाहिए मिनिमम वेजेस प्लस में ओवर टाइम पे। इफ़ दे वर्क मोर देन 40 आवर्स इन ए वर्क वीक, एक हफ्ते में 40 घंटे काम करना जरूरी है, और अगर वो 40 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो उसे ओवर टाइम के लिए पेमेंट भी की जाएगी, एंड ओवर टाइम मस्ट बी पेड एट 1.5 टाइम्स द रेगुलर पे रेट। और जो ओवर टाइम के लिए पेमेंट होगी वो रेगुलर पे रेट से डेढ़ गुना होगी। ठीक है, ये है नॉन एग्जाम्ड एम्प्लॉयज़। अब इसके साथ साथ एग्जाम्ड एम्प्लॉयज़ भी कर लेते हैं। एग्जाम्ड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? जो फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के जो भी नियम कायदे कानून हैं उससे बाहर आते हैं, उनसे मुक्त कर दिए गए हैं, यानी कि जिसको आर्ली वेजेस से पेमेंट नहीं की जाती है उन्हें सैलरी दी जाती है। एग्जाम्ड पोजिशंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मिनिमम वेज, ओवर टाइम रेगुलेशंस एंड अदर राइट्स एंड प्रोटेक्शन अफोर्डेड नॉन एग्जाम्ड वर्कर्स, यानी कि नॉन एग्जाम्प्टेड वर्कर्स पे जो जो नियम कायदे कानून लागू होते हैं वो इनके ऊपर नहीं होते। एम्प्लॉयर्स मस्ट पे ए सैलरी रादर देन एन आर्ली वेजेस, यानी कि घंटे के हिसाब से उन्हें मजदूरी ना देकर वेतन का भुगतान किया जाता है टिपिकली ओनली। अब कौन कौन आते हैं इसके अंदर? एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर यानी कि प्रोफेशनल्स, ये क्या आते हैं हमारे एग्जाम्प्ट पोजीशंस में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी तो बन के आ सकता है ना कि एग्जीक्यूटिव ये एग्जाम्प्ट एम्प्लॉई कौन कौन से है या एग्जाम्प्ट एम्प्लॉई कौन सा नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर प्रोफेशनल ये हमारे एग्जाम्प्ट एम्प्लॉयज हैं। तो चारों क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है। एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू ज्वाइन द यूनियन और नॉट, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो यूनियन को ज्वाइन करने के लिए फ्री हैं कि वो ज्वाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी, एंड दोज और जो मना कर देते हैं उन्हें यूनियन के ड्यूज को भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाते हैं ओपन शॉप में। ये कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छे नोट्स लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है यहाँ वहाँ से टॉपिक्स के बारे में, इसलिए टाइम लग जाता है थोड़ा सा वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़ इज, ठीक है, जातियों का ये समाज का अध्ययन है। यहाँ पे समाज के अध्ययन की बात की गई है, समाज का एक ऐसा अध्ययन जिसमें मानव जाति और उसकी एक्टिविटी, ह्यूमन बींग्स और उनकी एक्टिविटी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो नियरेस्ट लगेंगे एंथ्रोपोलॉजी, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये मनुष्य जाति का विज्ञान, द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये दोनों नियरेस्ट है, क्योंकि साइकोलॉजी अलग हो जाता है सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में तो क्या है, साइकोलॉजी तो मन का विज्ञान है ना, ये ऑप्शन अलग हो जाते हैं, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो नियरेस्ट है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, इन दोनों में भी डिफरेंस करना जरूरी है। सोशियोलॉजी में क्या किया जाता है, सोशल इंट्रैक्शन के बारे में जो है वो स्टडी की जाती है, लेकिन ह्यूमन बींग और उसकी एक्टिविटी के बारे में जो भी हमारी स्टडी की जाती है वो की जाती है एंथ्रोपोलॉजी में। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग स्पेशली ऑफ देयर ओरिजिन, कि जो मानव जाति है उसका ओरिजिन क्या है, उसका जन्म कहाँ से हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुई, उनकी कस्टम्स क्या है, बिलीव्स क्या है, प्रथाएँ क्या क्या हैं और उनके विश्वास क्या क्या है, कस्टम बिलीफ ओरिजिन डेवलपमेंट, ये जब सारी बातें देखी जाए, यानी कि ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज, कि ये जो अलग अलग काल के जो इंसान है उसके बारे में जो स्टडी की जाती थी, बिल्कुल फुल टू स्टडी जिसमें की जाती है वो एंथ्रोपोलॉजी में होती है। अब इसके 5 फील्ड होते हैं एंथ्रोपोलॉजी के, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एंथ्रोपोलॉजी का बताओ कौन सा हिस्सा नहीं है, तो हमें सारा ही पढ़ना पड़ेगा। जो भी नोट्स बनाए गए हैं सारे ही देख के सोच के बनाए गए हैं, आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। थर्ड है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फोर्थ है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और फिफ्थ है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। याद करने के लिए 4-5 बार बोल के देखेंगे तो याद हो जाएगा, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ये हमारी एंथ्रोपोलॉजी के 5 तरह के फील्ड बताए गए हैं। ठीक है, साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी से भी क्या बताया, साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव, मनोस्थिति के बारे में जब वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में देखा जाता है। और सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी इज सोशल साइंस दैट फोकस ऑन सोसाइटी, ह्यूमन सोशल बिहेवियर,
कि जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि ह्यूमन बीइंग और उसकी एक्टिविटी, सिर्फ एक्टिविटी नहीं उसके सोशल बिहेवियर को देखा जाता है, पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप को देखा जाता है, सोशल इंट्रैक्शन को देखा जाता है एंड एस्पेक्ट ऑफ कल्चर एसोसिएटेड विद एवरीडे लाइफ, ये आ जाता है हमारा सोशियोलॉजी के अंदर। तो क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज इज, ये क्या आ जाएगा एंथ्रोपोलॉजी में। 93 क्वेश्चन है हमारा, एन अनऑथराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक, अनाधिकृत और अवैधानिक हड़ताल दैट ऑक्यूर्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एन एग्जिटिंग कॉन्ट्रैक्ट इज, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही आ जाती है हड़ताल, ठीक है, एक अनाधिकृत और अवैध हड़ताल जो किसी मौजूदा अनुबंध की शर्तों के दौरान ही होती है, उसे क्या कहते हैं, विसल ब्लोइंग, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, वेस्टिंग राइट्स या पेन डाउन स्ट्राइक। अब देखिए ये वेस्टिंग राइट्स है तो नहीं अधिकारों की बात होगी, ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। विसल ब्लोइंग क्या होती है, अगर ये पीछे वाले स्टार्ट के पेपर पढ़ रखे होते तो ये वाला ऑप्शन भी अपने आप ही खत्म हो जाता है, बच जाती है दो स्ट्राइक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक और पेन डाउन स्ट्राइक, इन दोनों में से छाटना बहुत ही आसान था। ये है हमारी वाइल्ड कैट स्ट्राइक, अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। पढ़ते हैं चारों के बारे में। फर्स्ट है हमारा वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक इज ए स्ट्राइक दैट इज स्टार्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ देयर यूनियन। यूनियन ने तो अप्रूवल दिया ही नहीं है कि आप जाके स्ट्राइक करो, वर्कर्स अपने आप ऐसे इकट्ठे हुए स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, तो इसीलिए इसको अनऑथराइज्ड भी बोला जाता है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स आर नॉट ऑथराइज्ड बाय द यूनियन एंड आर देयरफॉर टेक्निकली इलीगल, और इसीलिए इलीगल भी हो जाती है। सेकेंड क्या है, विसल ब्लोइंग, इट इज़ द एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रॉन्ग डूइंग इन द वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर अगर कुछ गलत हो रहा है और कोई वो गलत करता हुआ नहीं होता हुआ नहीं देख सकता तो वो इसको क्या करता है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देता है, बाहर वो प्रकट कर देता है, इसे कहते हैं विसल ब्लोइंग। और जो बंदा ये काम करता है उसे क्या कहते हैं, विसल ब्लोवर। एस्टा 2018 में क्वेश्चन नंबर 143 करवाया हुआ है, वहाँ पे इसका नोट्स भी बनवाया गया है, उसे कहते हैं विसल ब्लोवर मुखबिर, जो बंदा ये काम करता है, यानी कि एनीवन विद एविडेंस ऑफ कॉरपोरेट फ्रॉड, एविडेंस भी देता है वो, प्रूफ भी देता है साथ में, कैन बी ए विसल ब्लोवर। कौन कौन हो सकता है वो, करंट एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, फॉर्मर एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं, ऑडिटर्स भी हो सकते हैं और कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या विसल ब्लोअर जो है उसे पेमेंट भी कुछ मिलती है, उसे ये सारे काम के बदले भी कुछ मिलता है, उसने इतना भलाई का काम करा, कुछ गलत होता हुआ उसने बाहर प्रकट कर दिया है, क्या इसके लिए उसे कुछ मिलेगा। तो ए विसल ब्लोअर हु फाइल्स ए सक्सेसफुल क्लेम, अगर जो उसने शिकायत की, अगर वो शिकायत सही निकलती है तो उसे मिलता है इक्वल बिटवीन 15% एंड 25% ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड बाय गवर्नमेंट। तो सरकार को जितनी भी अमाउंट, सरकार को जितना फायदा होता है उसका 15-25% उसको एज ए अवार्ड दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, वेस्टिंग राइट्स, निहित अधिकार। निहित अधिकारों में क्या आ जाता है, वन ए राइट वॉज क्रिएटेड इन वन लोकेल, अगर एक जगह पर एक अधिकार को बना दिया गया है तो इट्स एक्सिस्टेंस, उसका अस्तित्व शुड बी रिकोगनाइज एवरीवेयर, हर जगह उसका जो अस्तित्व है वो हर जगह होगा, इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, जैसे संविधान के निहित मौलिक अधिकार जो भारत में हर जगह समान रूप से सभी पर लागू होते हैं। और इसका एक एग्जांपल और ये भी हो सकता है कि जैसे अगर एक फादर है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में लिखवा दिया कि जब उनका बेटा 18 साल का हो जाएगा तो उनकी 25% जो प्रॉपर्टी है वो बेटे के नाम कर दी जाए, तो ये वेस्टिंग राइट का एग्जाम्पल होगा। उनकी बेटा यूँ नहीं है कि जहाँ पर बैठ कर, जिस कमरे में बैठ के उन्होंने उसे इस कागज़ पर हस्ताक्षर किए हैं उसी कमरे पर ही ये वाली बात लागू होगी, बेटा जहाँ पे भी होगा 18 साल का होते ही उसे ये वसीयत दे दी जाएगी, तो ये वेस्टिंग राइट होता है। यानी कि जिस स्थान पर राइट बना है सिर्फ उस स्थान पर ही नहीं उसका जो अस्तित्व है वो हर जगह होता है। नेक्स्ट क्या थी हमारी, डी पेन डाउन स्ट्राइक। पेन डाउन स्ट्राइक में क्या होता है, कैसी हड़ताल जिसमें पेन गिरा दिए जाते हैं, यानी कि काम नहीं किया जाता, कर्मचारी आते तो हैं, एम्प्लॉइज आते तो हैं लेकिन वो काम नहीं करते, और इसे और क्या बोलते हैं, टूल डाउन स्ट्राइक या फिर ड्रॉपिंग पेन स्ट्राइक भी बोला जाता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्राइक, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट है इन विच एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ प्राइवेट भी हो सकते हैं इसमें वर्कर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट वर्कर्स भी हो सकते हैं, और इट्स एसोसिएटेड प्रोफेशनल्स पार्शली अटेंड्स देयर ऑफिसेज इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर विदाउट बींग इन्वॉल्व इन ऑफिस मैनेजमेंट, यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते, काम नहीं करते
उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। पेन डाउन स्ट्राइक मीन्स द स्टाफ विल सिट, स्टाफ तो बैठेगा बट विल नॉट डू एनी वर्क टिल देयर डिमांड इज मेट, और जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक वो काम नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था कि एन अनऑथराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक दैट ऑक्यूर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एन एग्जिटिंग कॉन्ट्रैक्ट इज, ये क्या हो जाएगा, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। नेक्स्ट है रिटेलर दैट बायज एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइज, यानी कि जो होलसेल प्राइस है उससे कम पे खरीदता है, कैसा रिटेलर जो होलसेल प्राइस से कम पे खरीदता है एंड सेल्स एट लेस देन रिटेलर्स, और जो रिटेलर के प्राइस है उससे कम पर ही बेचता है, वो कौन सा रिटेलर है, कौन सा वो रिटेलर है भाई, ऑफ प्राइस रिटेलर है वो। हमारे ऑप्शंस में ऑन प्राइस रिटेलर, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखिए ऑफ प्राइस रिटेलर्स होते क्या हैं, ऑफ प्राइस रिटेलर्स आर रिटेलर्स हु प्रोवाइड हाई क्वालिटी गुड्स एट चीप प्राइजेस, जो महंगा कीमती सामान सस्ते रेट में उपलब्ध करवा देते हैं। दे यूजुअली सेल सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स जो है उसे बेचते हैं या ऑफ द सीजन आइटम इसको बेचते हैं, तभी तो ऑफ प्राइस होता है। सेकेंड हैंड है या फिर सीजन चला गया है तभी तो वो ऑफ प्राइस है। और ये देखिए कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर्स। ऑफ प्राइस रिटेलर्स कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर्स या फैक्ट्री आउटलेट्स। देखिए फैक्ट्री आउटलेट्स, आउटलेट्स क्या होते हैं, कोई भी शॉप या सेंटर से बोल सकते हैं, और वेयर हाउस क्लब्स, तीन तरह के, इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर्स, फैक्ट्री आउटलेट्स या वेयर हाउस क्लब। क्वेश्चन बन के ये आ सकता है कि ऑफ प्राइस रिटेलर का कौन सा टाइप नहीं है, ये तीन तो होते ही होते हैं, चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा जिसके ऊपर आपको टिक करना है, तो ये तीन ही याद कर लीजिए, चौथा अपने आप ही छट जाएगा वहाँ से, इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर, फैक्ट्री आउटलेट या फिर वेयर हाउस क्लब्स। ऑफ प्राइस रिटेलर क्या करेगा भाई, बाय मैन्युफैक्चरर्स इरेगुलर्स, यानी कि एक ऐसा सामान वो परचेज कर रहा है जो इरेगुलर नहीं है, कैंसिल्ड ऑर्डर या फिर वो ऑर्डर जो कैंसिल हो गया है, गुड्स रिटर्न बाय अदर रिटेलर या किसी रिटेलर ने अपना जो माल है वो वापस कर दिया है और मैन्युफैक्चरर के पास है नहीं पड़ा है, एंड एंड ऑफ सीजन क्लोज आउट मर्केंडाइज, या फिर एंड ऑफ सीजन हो गया है उसका, तो इन सारी चीज़ों का वो व्यापार करता है। अब जो हमारा ए ऑप्शन था ना, ओन प्राइस रिटेलर, ओन प्राइस रिटेलर नहीं होता, वो होता है वन प्राइस रिटेलर। वन प्राइस रिटेलर इज ए स्टोर दैट ऑफर्स ऑल मर्केंडाइज एट ए फिक्स प्राइस, यानी कि वो व्यापार कैसे करता है, फिक्स प्राइस में व्यापार करता है, द सेम टू ऑल कस्टमर्स, और ऐसा प्राइस जो सारे कस्टमर्स के लिए सेम है, एज अपोज टू बार्गेनिंग और नेगोशिएटिंग ए प्राइस, यानी कि बार्गेनिंग ये जो होता है ना मोल भाव वाली कंडीशन इसके अंदर नहीं होती, सिर्फ फिक्स प्राइस होता है, वन प्राइस रिटेलर हो जाता है वो। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा एक बार, रिटेलर दैट बाय दैट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइस एंड सेल्स एट लेस देन रिटेलर इज ऑफ प्राइस रिटेलर आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन है, एक ऐसा टॉपिक जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही आता है, और इस टॉपिक से कई बार दो क्वेश्चन भी एक ही पेपर में देखने को मिल सकते हैं, मैच मेकिंग में भी आ सकता है, केवल थ्योरी किसने दी या फिर नीड्स को ही मैच मेकिंग में दिया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से, दोज नीड्स दैट आर सेटिस्फाइड एक्सटर्नली सच एज फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर, कौन सी नीड्स हैं ये हमारी, वे जरूरतें जो बाहरी रूप से संतुष्ट हो जैसे शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता है, उन्हें क्या कहते हैं। अगर हमने हायरार्की थ्योरी पढ़ी है, पूरी हायरार्की हमें अगर याद है, तो हम इस हायरार्की से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दे सकते हैं। अब देखिए जो हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी की नीड्स है वो सबसे नीचे आती हैं, लोअर ऑर्डर की नीड्स होती है वो, क्या बाकी ऑप्शंस में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये तो सबसे ऊपर होती है, यानी कि ये हायर ऑर्डर नीड्स है, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं, बच गया मिडिल ऑर्डर नीड्स, मिडिल ऑर्डर में आती हैं हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स। तो देखिए ये हमारी हायरार्की है, हायरार्की बारे में हायरार्की का नाम पता होना चाहिए, इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी बोला जाता है, 1948-43 में इन्होंने दी थी, और ये हमारी एक मोटिवेशनल थ्योरी है। सबसे पहले इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएँ आती हैं, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएँ आती हैं, उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स आती हैं, यानी कि सुरक्षा या बचाव की आवश्यकताएँ, ये हमारी बेसिक नीड्स बोली जाती हैं, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएँ, उसके बाद बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, संबंध और प्यार की आवश्यकताएँ, परिवार में एक बंदा रहता है तो उसे
संबंध और प्यार की भी जरूरत महसूस होती है, फिर उसे सम्मान की आवश्यकता है, यानी कि जिस समाज के साथ वो इंटरेक्ट होते हैं वहाँ पे सम्मान की आवश्यकताएं महसूस करता है बंदा, ये साइकोलॉजिकल नीड्स में आ जाती है दोनों। और फिर जो सबसे ऊपर है हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। तो ये सारे ही जो नीड्स हैं हमारी, हमें याद होने चाहिए, सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, और फिर सेकेंड नंबर पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड है बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स, फोर्थ है एस्टीम नीड्स, और फिफ्थ हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सबसे ऊपर की नीड को रखा गया है हमारी हायर ऑर्डर नीड्स में, बीच में जो दो हैं साइकोलॉजिकल नीड्स उन्हें रखा गया है हमारी मिडिल ऑर्डर नीड्स में, और सबसे नीचे जो हैं वो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, यानी कि लोअर ऑर्डर की नीड्स होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि ये फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स किस में आती है, लोअर ऑर्डर नीड्स में आ जाएंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप बेशक वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो वीडियो छोड़ेगा वो खुद अपना ही नुकसान करेगा, क्योंकि आगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है जिसके बारे में पूरी फुल टू डिटेल इकट्ठी की गई है। क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट डेब्ट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल पेमेंट एट मैच्योरिटी इज कॉल्ड, यानी कि उसको क्या कहते हैं, उस डेब्ट को क्या कहते हैं जो एक तो अनसिक्योर्ड है, ठीक है ना, जिसको जिसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखा गया है, दूसरा ये शॉर्ट टर्म है कॉरपोरेट डेब्ट है, और तीसरा मैच्योरिटी के टाइम सिंगल पेमेंट है। तो ये किस में आती हैं सारी विशेषताएँ, या जाती है कमर्शियल पेपर में ये सारी आ जाती हैं। अदर ऑप्शंस में है कॉरपोरेट अकाउंट, कॉरपोरेट पेपर या कमर्शियल अकाउंट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमर्शियल पेपर, क्योंकि शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट डेब्ट हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन चारों में से क्या है, हमारा कमर्शियल पेपर है। कमर्शियल पेपर इज ए कॉमनली यूज टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉरपोरेशंस, टिपिकली यूज फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ पेरोल, अकाउंट्स पेएबल एंड इन्वेंट्रीज एंड मीटिंग अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यानी कि कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म का डेब्ट है, शॉर्ट टर्म यानी कि एक साल मैक्सिमम पीरियड होता है इसका, एक साल के लिए इशू किया जाता है, और जो यहाँ से पैसा आता है उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, पेरोल वेतन देने के लिए, अकाउंट्स पेएबल के लिए, या अपने इन्वेंट्री जो स्टॉक है उसको खरीदने के लिए, या मीटिंग अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और जो हमारी अल्प अवधि की जो देयताएं हैं लायबिलिटीज़ हैं उसको पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र के रूप में ये होता है, एंड वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, क्वेश्चन ये भी तो हो सकता था, और चारों ऑप्शन में से भी हमें इसी पे ही टिक करना था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और इंडिया में कब आया, 1990 में आया ये। और जो कमर्शियल पेपर है इसका मिनिमम मैच्योरिटी कितनी हो सकती है, 7 डेज हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अब जो हमारा कमर्शियल पेपर है उसे जारी कौन कर सकता है, जारी कर सकते हैं कॉरपोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स, या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू इशू CP, यानी कि कमर्शियल पेपर को ये तीनों जारी कर सकते हैं। क्या CP को डिस्काउंट पे जारी किया जा सकता है, यस, CP विल बी इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एज मे बी डिटरमाइंड बाय द इशूअर, जारी करने वाला जितने पर निश्चित करेगा, जितने पर निर्धारित करेगा उतने पर जारी किए जा सकते हैं। कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड इन डेनोमिनेशंस ऑफ ₹5 लाख और मल्टीपल्स देयर ऑफ, 5 लाख या 5 लाख के गुणक में इसे जारी किया जा सकता है। और कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, ड्राफ्ट के रूप में हो सकते हैं, चेक के रूप में भी हो सकते हैं, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के रूप में भी हो सकते हैं, प्रोमिसरी नोट्स, ड्राफ्ट, चेक या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। द मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ कमर्शियल पेपर इज ए प्रोमिसरी नोट, सबसे जो उसका मोस्ट फंडामेंटल टाइप है, सबसे प्रमुख जो इसका प्रकार है वो क्या है, प्रोमिसरी नोट, जो कि एक रिटर्न पेज टू पे मनी, यानी कि एक लिखित प्रतिज्ञा होती है, पैसा वापस करने की लिखित प्रतिज्ञा होती है। बी ऑप्शन है हमारा कॉरपोरेट अकाउंट। कॉरपोरेट अकाउंट देखिए इज ए कैच ऑल टर्म फॉर ए बैंक अकाउंट, यानी कि एक बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट, बैंक खाते के लिए प्रयुक्त तो सभी शब्द इसमें आ जाते हैं कॉरपोरेट अकाउंट में, यानी कि उनके बैंक में जितने भी अकाउंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉरपोरेट अकाउंट्स। दैट बिजनेस यूजेस टू होल्ड देयर मनी, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा रखते हैं। कॉरपोरेट अकाउंट्स आर ऑफन रेफर टू बिजनेस अकाउंट्स, और इन्हें बिजनेस अकाउंट्स भी बोला जाता है,
ए कॉरपोरेट अकाउंट इज समटाइम समथिंग दैट एवरी बिजनेस ओनर शुड ओपन. हर बिजनेसमैन को खोलना चाहिए सो दैट वाइल दे आर वर्किंग देयर मनी इज वर्किंग टू, क्योंकि जब वो काम करे तो उनका पैसा भी फिर काम करता है. और नेक्स्ट क्या है, कमर्शियल अकाउंट इज एनी टाइप ऑफ बैंक अकाउंट दैट इज यूज बाय कॉरपोरेशंस एंड बिजनेसेस. ये भी क्या हो जाता है, कमर्शियल अकाउंट व्यापार करने के लिए जो यूज़ किया जाए, यानी कि जब चाहे जिसमें से पैसा निकाला जा सके, जब चाहे उसके अंदर पैसा आ जाए, वो होता है कमर्शियल अकाउंट. तो क्वेश्चन था अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेप्ट दैट इज करेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल पेमेंट एट मैच्योरिटी इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर. देखिए अकाउंट्स का ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया. और कॉर्पोरेट पेपर में कौन से पेपर आते हैं जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है यूज़ करता है, कमर्शियल पेपर भी एक तरह का कॉर्पोरेट पेपर ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 क्वेश्चन, पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग. शिफ्ट का मतलब है कि हटा लेना अपने खर्चे को अक्रॉस फूड हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन हेल्थ केयर एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि यहाँ इन सारी चीज़ों से अपने खर्चे को हटा लेते हैं लोग एज फैमिली इनकम राइजेज, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है. तो इस लॉ को क्या कहा जाता है, एंगल्स लॉ, पीटर्स लॉ, जोन्स लॉ या राइट्स लॉ. ठीक है, चारों ही लॉ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंगल्स लॉ. एंगल्स लॉ क्या कहते हैं, दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय अर्नेस्ट एंगल ए जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन इन 1857. एंगल्स लॉ कब प्रपाउंड हुआ, 1857 में. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ईयर, अगर हमें पता है तो हमें याद होने चाहिए. एंगल्स लॉ 1857 में आया, जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन अर्नेस्ट एंगल ने इसको प्रोपाउंड किया, इंट्रोड्यूस किया. इट इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, हाउस होल्ड इनकम के बारे में और एक पर्टिकुलर गुड और सर्विस एक्सपेंडिचर के बारे में. यानी यहाँ क्वेश्चन में जो इतनी सारी चीज़ों के साथ दिखा दिया ना, फूड के साथ तो दिखाया ही, मेन तो फूड के साथ ही होता है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है एज इट इज़. उसमें यही डेफिनेशन दी गई है कि ये लोग अपने खर्चे को हटा लेते हैं इन सारी चीज़ों से जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है. तो इट स्टेट्स दैट एज फैमिली इनकम इंक्रीजेज द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेज. जैसे ही इनकम बढ़ती है तो इनकम का जो भाग खाने पे खर्च होता है वो कम हो जाता है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल्स लॉ. सेकंड है हमारा पीटर्स लॉ. पीटर्स लॉ को बोला जाता है पीटर प्रिंसिपल भी बोला जाता है. और पीटर प्रिंसिपल इस ऑब्जर्वेशन में क्या देखा जाता है, ये ना एक तरह की ऑब्जर्वेशन थी. इस लॉ में एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम किया गया था. ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि एक एम्प्लॉई का ना तब तक प्रमोशन होता है जब तक कि वो इनकॉम्पिटेंस अनफिट यानी कि अयोग्यता के स्तर तक नहीं पहुंच जाता. जरूरी तो नहीं है ना कि प्रमोशन होता जाएगा और वो बंदा उतना ही अच्छा काम करता जाएगा. हो सकता है कि वो जिस लेवल पर उसने काम किया है उसकी उसे बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन जैसे ही वो प्रमोट होता है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता. तो इस ऑब्जर्वेशन में यही देखा गया था कि प्रमोशन तब तक होता है जब तक कि वो योग्यता के स्तर तक नहीं पहुंच जाता. अगर वो जिस प्रमोटर के वो जिस स्टेज पे आया है, अगर वो स्टेज पे अच्छा काम ही नहीं कर पाएगा तो फिर आगे प्रमोशन नहीं हो पाएगा उसका. सी ऑप्शन में है जोन लॉ. जोन लॉ में क्या है भाई, जोन लॉ ने क्या क्या दिया था, ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक राइटर थे टू यूज़ कॉन्सेप्ट. इन्होंने ये वाली सारी कॉन्सेप्ट दी थी, इन्होंने दी थी 17th सेंचुरी में, सच एज डिमांड एंड सप्लाई, द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड द लॉ ऑफ वन प्राइस. तो हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं करते हैं सारे. और फोर्थ ऑप्शन है हमारा राइट्स लॉ. राइट्स लॉ में क्या बताया गया है कि भी कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, कि व्यापार जगत क्या ये उत्तरदायित्व है कि वो मानवाधिकारों का सम्मान करे, उनका हरासमेंट ना करे. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि जब हम ऑप्शंस के साथ जाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना जो बहुत ही आसान हो जाता है. अब क्वेश्चन था कि पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन हेल्थ केयर एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज कैटेगरीज एज फैमिली इनकम राइजेज, द लॉ नोन एज एंगल्स लॉ. नेक्स्ट देखिए, ऑप्शंस ही नहीं रिलेट कर रहे, एक ही कैटेगरी से अलग अलग कैटेगरी से ऑप्शंस जो है वो उठा दिए गए हैं. क्वेश्चन है, ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री, एक देश का नागरिक अगर दूसरे देश में काम कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सपेट्रिएट कहा जाएगा उसको. ऑप्शंस भी हम देखेंगे क्या क्या हैं. ये बिहेवियर की बात की गई है, ये हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है, कम्युनिज्म में जो विश्वास करता है वो एक कम्युनिस्ट. तो एक्सपेट्रिएट अगर सभी का मीनिंग अगर पता है
तो फटाफट से बी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, फोकवेज। फोकवेज क्या होता है, लोकमार्ग, द ट्रेडिशनल बिहेवियर और व्यू ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि क्या होता है, ट्रेडिशनल बिहेवियर, वो जैसे कहते हैं ना कि बच्चे में इमिटेशन की पावर होती है, इमिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने माँ बाप को जो करते देखता है वो वही सीख जाता है। तो ये वही चीज़ है, ट्रेडिशनल बिहेवियर है, एक दूसरे के साथ रह के ये जो चीज़ें हैं वो हम सीख जाते हैं, जैसे प्रॉपर ईटिंग बिहेवियर, अप्रोप्रिएट ड्रेस, करेक्ट मैनर्स, या शेकिंग हैंड्स एंड एम्ब्रेसिंग वाइल मीटिंग, यानी कि गले लगाना, हाथ मिलाना, गले लगाना जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ये फोक वेज यानी कि बिहेवियर की बात की गई थी, बिहेवियर, और यहाँ पूछा गया था सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री, तो ये ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया। सेकंड, एक्सपैट्रिएट क्या होता है, एन एक्सपैट्रिएट इज समवन हु हैज लेफ्ट हिज और हर होमलैंड, जिसने होमलैंड यानी कि जहाँ जन्म लिया उस जन्मभूमि को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया जहाँ उसका घर है। जैसे कि एक कनेडियन है हु हैज़ मूव्ड फ्रॉम कनाडा टू बी मैरिड एंड एम्प्लॉयड इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में चला गया क्योंकि उसका काम भी वहीं पर, उसने शादी भी वहीं कर लिया। एंड एक्सपैट्रिएट यानी कि प्रवासी लोग होते हैं, अपने देश में नहीं रहते, दूसरे देश में रहते हैं। एंड एक्सपैट्रिएट इज़ एन इंडिविजुअल लिविंग एंड वर्किंग, लिविंग एंड वर्किंग भी हो सकता है, लिविंग और वर्किंग भी हो सकता है, इन ए कंट्री अदर देन हिज और हर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो ये क्या जाएगा, एक्सपैट्रिएट, यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ वर्किंग पूछा गया था, लिविंग नहीं पूछा गया था, तो अभी हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन में है कॉमिकॉन, COMECON, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, 1991 में जिसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है, समापन जिसका किया जा चुका है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ था इसका, मॉस्को रशिया में, फाउंडर थे जोसेफ स्टेलिन, फाउंडेड किया गया इसको 25 जनवरी 1949 में मॉस्को रशिया में ही, और डिसोल्ड कर दिया गया 28 जून को 1991 में। एक एक बात इम्पोर्टेंट हो जाती है, अगर हमारे ऑप्शन में भी टॉपिक आ गया मतलब कि ये टॉपिक नज़र में है और आगे इस टॉपिक से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओरिजिनल मेंबर्स कौन से थे, सोवियत यूनियन, अल्बानिया, बुल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। मेंबर्स बहुत आते हैं, पूछा जाता है कि बताओ कितने मेंबर थे, कितने भी पूछे जा सकते हैं, ओरिजिनल मेंबर कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर ऑप्शन आ सकता है कि बताओ कौन सा नहीं था, 3 यहाँ से लेके 1 अदर ऑप्शन में डाल देंगे कोई भी जो ओरिजिनल मेंबर नहीं था। सोवियत यूनियन, अल्बानिया, बुल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। पर्पज़ क्या था इसका, केमिकॉन्स पर्पज़ वॉज टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन करना, सहयोग को बढ़ावा देना इसका पर्पज़ था, इन इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कौन होता है, ए मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर, या फिर ए पर्सन हु बिलीव्स इन और सपोर्ट कम्युनिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म को जो बंदा, जिस कम्युनिज्म में जो बंदा विश्वास करता है या उसको सपोर्ट करता है वो कम्युनिस्ट हो सकता है। और साम्यवाद क्या है, साम्यवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्य का सभी कारखानों, खेतों, सेवाओं आदि पर स्वामित्व व नियंत्रण होता है और राज्य द्वारा सभी सदस्यों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, कम्युनिज्म यानी कि इसमें समानता का व्यवहार किया जाता है, ये कम्युनिस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन है सिटीजन ऑफ वन कंट्री आई वर्किंग इन अनदर कंट्री, ठीक है, ये बिहेवियर है, ये हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और कम्युनिस्ट हमारी एक, कम्युनिस्ट क्या होता है, जो कम्युनिज्म में विश्वास करता है वो कम्युनिस्ट हो जाता है एक बंदा, और तो इसका आंसर है एक्सपैट्रिएट। तो आप खुद देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन करते ही हम सिर्फ एक क्वेश्चन ही, कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन के आंसर जो है वो कर रहे हैं साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल इज, आउटलेट्स मतलब कि या तो शॉप या सेंटर बोला जा सकता है, यानी कि प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखना बहुत सारे अपने सेंटर्स में, एज जितना हो सके उतना ज़्यादा स्टॉक करके रखना, ये किस में आ जाता है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी में नहीं होता, सघन वितरण, नाम से क्या पता लग रहा है कि एक ऐसी चीज़ जो मार्केट में एकदम से ज़्यादा मात्रा में जाती है, ज़्यादा मात्रा में कौन सी जाएगी, जो डेली यूज़ की चीज़ें होंगी। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट्स विच आर इंटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड आर कॉमन प्रोडक्ट इन द मार्केट विद ए लॉट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव। कॉमन तो है ही है, साथ में बहुत सारे अल्टरनेटिव भी हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गए हमारे, बहुत सारे उसके हमारे अल्टरनेटिव होते हैं, चिप्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, सिगरेट के अल्टरनेटिव होते हैं, साबुन के अल्टरनेटिव होते हैं, ये सारे हमारे इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं।
तो क्वेश्चन ही था स्टॉकिंग इन अ प्रोडक्ट एज मैनी आउटलेट्स। अच्छा से हमारा ए ऑप्शन क्या था इसका, इंटरैक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरैक्टिव क्या होता है, देखिए इंटरैक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं, इंटरैक्टिव मार्केटिंग होती है। इंटरैक्ट करना यानी कि इंटरैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो पार्टीज आपस में दोनों ही इंटरैक्शन में है, दोनों की तरफ से ही कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इंटरैक्टिव मार्केटिंग को और क्या बोला जाता है, ट्रिगर बेस्ड मार्केटिंग या इवेंट ड्राइवन मार्केटिंग। ठीक है, नाम भी पूछे जा सकते हैं इंटरैक्टिव मार्केटिंग को और कौन सी मार्केटिंग कहा जाता है, ट्रिगर बेस्ड मार्केटिंग या इवेंट ड्राइवन मार्केटिंग भी कहा जाता है। इट इज़ ए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट यूजेस टू वे कम्युनिकेशन चैनल्स टू अलो कंज्यूमर्स टू कनेक्ट विद द कंपनी डायरेक्टली, यानी कि कंज्यूमर्स को कंपनी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो यूज़ की जाती है। सी ऑप्शन दिया गया इंटरमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंटरमोडल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता, वो इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट होता है। इंटरमोडल का मतलब क्या होता है कि जब भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है तो जब ट्रांसपोर्ट के कई सारे मोड एक में यूज़ कर लिए जाएँ, ठीक है, एक ही सामान को अगर मान लो मैं एक्सपोर्ट करना है तो शिप्स तक यानी कि बंदरगाह तक अगर हम अपना माल ट्रक से पहुंचाते हैं, फिर आगे वो शिप के थ्रू जाता है दूसरी कंट्री में, फिर वो आगे से वैन वगैरह के थ्रू आगे वो जहाँ पे जाना है वहाँ जाता है। यानी कि तीन चीज़ें उसमें यूज़ होगी, ट्रक भी यूज़ हो गया, शिप भी यूज़ हो गया और वैन भी यूज़ हो गया। तो ये क्या है, इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट। इट इज़ रिलेटिंग टू मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा मोड, एक से ज़्यादा तरीके ट्रांसपोर्ट के यूज़ किए जाए तो वो इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट है। इसके अपोजिट क्या होता है, इंट्रामोडल ट्रांसपोर्ट। इंट्रामोडल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट का एक ही मोड जब यूज़ किया जाए। डी ऑप्शन में है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग क्या है, द ओवरऑल पर्पज ऑफ इंटरनल मार्केटिंग इज़ टू इंश्योर दैट, इंटरनल मार्केटिंग का मेन मकसद ही क्या होता है कि ऑल कंपनी एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड दैट, कि सारे कंपनी के कर्मचारी ये समझ जाएँ कि दे नीड टू कोऑपरेट फुली, ये उन्हें अपना पूरा कोऑपरेशन देना, पूरा सहयोग देना है टू सेटिस्फाई कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। कंज्यूमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट का है उसको संतुष्ट करने में, कंज्यूमर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में उन्हें अपना पूरा सहयोग देना है इन ऑर्डर टू अचीव द कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव। तभी जो कॉरपोरेट जो व्यवसायिक जगत है, जो व्यापार है, उसका उद्देश्य जो है वो अचीव किया जा सकता है। तो ओवरऑल मार्केटिंग क्या होगी, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ही ये समझाया जाता है कि जब आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में अपना पूरा योगदान देंगे तभी हम सब मिलकर कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। ये आ जाएगा हमारा इंटरनल मार्केटिंग के अंदर। क्वेश्चन था स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंटरैक्टिव क्या था, इंटरैक्टिव मार्केटिंग, इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मार्केटिंग। आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच द कंपनीज नेट इनकम इज जीरो। जितना माल बनाया गया है, द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच द कंपनी नेट इनकम इज जीरो, यानी कि जो भी माल बनाया सारा का सारा बेच दिया और वहाँ पे नेट इनकम क्या है, जीरो है। तो वो किस पे होती है, क्या वो ब्रेकअप वैल्यू पे होती है या ब्रेक इवन पॉइंट पे होती है, कॉस्ट एनालिसिस पे या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे। देखिए ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। कॉस्ट एनालिसिस में क्या किया जाता है, कॉस्ट का पूरी तरह से एनालिसिस किया जाता है कि जो भी हमने प्रोडक्शन करा उसके अंदर जो लागत आई है, जो कॉस्ट लगी है, चाहे वो कॉस्ट लेबर की है या रॉ मटेरियल की है, उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है कि एक यूनिट के ऊपर कितना खर्चा है, ओवरऑल कितना खर्चा है। तो इसमें तो वो किया जाता है, लागत विश्लेषण किया जाता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सारा का सारा ध्यान जो है प्रोडक्शन पे होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे खत्म होंगे, बच गए दो, ब्रेकअप वैल्यू और ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंपनी की नेट इनकम जो है जीरो होती है। पढ़ते हैं एक बार चारों के बारे में। सबसे पहले ए ऑप्शन ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है, देखिए ब्रेकअप वैल्यू इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। एक कंपनी की मार्केट वैल्यू है ब्रेकअप वैल्यू, इफ़ इट्स कंपोनेंट्स वर टू बी सोल्ड ऑफ, कि अगर मान लो इसके जो कंपोनेंट हैं वो बेच दिए जाएं एंड द मेन बिजनेस लेफ्ट टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ये होती है ब्रेकअप वैल्यू। द ब्रेकअप वैल्यू इज डेरिवाइड बाय, और कैसे निकलती है ये, कैलकुलेटिंग द टोटल एसेट ऑफ ईच बिजनेस यूनिट माइनस इट्स लाइबिलिटी। एसेट में से लाइबिलिटी को अगर लेस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आती है मैंने ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू से इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर्स यूज़ द ब्रेकअप वैल्यू टू असेस ए कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और इससे नहीं उन्हें एक कंपनी की जो वित्तीय ताकत है कि भाई वो कंपनी कितनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग है वो पता लगता है। क्योंकि ब्रेकअप वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी कंपनी उतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होगी एंड डिटरमाइन द बेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर इन्वेस्टमेंट, और फिर इससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट का जो निर्धारित कर सकते हैं जो भी उनका बेस्ट एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये होती है हमारी ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेक इवन पॉइंट ना इधर प्रॉफिट नोर लॉस वाले सिचुएशन है जिसमें कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इक्वल होता है रिवेन्यू फॉर ए प्रोडक्ट,
और नेट इनकम क्या होता है, जीरो। सी ऑप्शन है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग मनी वैल्यू ऑफ द इनपुट, जितना भी इनपुट है ना उसकी मनी वैल्यू डिसाइड की जाती है वहाँ पे, कॉल्ड एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये फिर किस चीज़ में हेल्प करती है, क्यों हम एक एक चीज़ की कॉस्ट देखते हैं, विच हेल्प इन डिसाइडिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन है उसका अनुकूलतम स्तर क्या हो सकता है, ये डिसाइड करने में कॉस्ट एनालिसिस बहुत ही हेल्प करता है। और फोर्थ है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट फोकसिंग ऑन दिस, देखिए किस पे फोकस करता है, हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे। कॉस्ट को कोई मैटर नहीं किया जाता, कॉस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता है। ये हमारे चारों ऑप्शंस। तो क्वेश्चन था द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच द कंपनीज नेट इनकम इज जीरो ब्रेक इवन पॉइंट। आपको कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ कमी है कहीं पे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मोटिवेट तो कर ही सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो थम का साइन ही दिखा दीजिए। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हो सके तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।